नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश कोचिंग टेक्नीशियन योगेश टेक्निकल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वीजी कूलर के ऊपर। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से वीजी कूलर में हम कौन से कंप्रेशर लगा सकते हैं, कौन सी कैपिलरी लगा सकते हैं, कौन सा कंडेंसर लगा सकते हैं, ये सभी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊँगा। तो दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो, हम शुरू से लेकर आखिर तक वीडियो को देखना ताकि आपको मालूम हो सके कि आप वीजी कूलर में अगर आपको कंप्रेशर नंबर मालूम नहीं है तो आप कौन सा कंप्रेशर इसमें बिल्कुल बिना किसी हिचकिचाहट के लगा सकते हैं। दोस्तों आज हम बात करेंगे दो कंप्रेशरों के बारे में, चार कंप्रेशरों के बारे में, KCE 419 HAG और KCE 425 HAG और KCN 413 CAG। ये सभी R134 रेफ्रिजरेंट के कंप्रेशर दोस्तों, और ऊपर जो आप देख रहे हैं बाईं साइड नेक्स्ट जनरेशन ECZ R134A मॉडल, ये नेक्स्ट जनरेशन के R134A के मॉडल हैं। दो कंप्रेशर दोस्तों ये ECZ 42421 HG डैश 11B और ECZ 426 HG डैश 11M, ये नेक्स्ट जनरेशन के कंप्रेशर हैं दोस्तों। तो हम सबसे पहले बाईं साइड से चलेंगे दोस्तों, नंबर ऑफ केसेस और लीटर्स। दोस्तों अगर आपके पास दो केसेस का वीजी कूलर है या फिर 70 से 120 लीटर तक का वीजी कूलर है तो उसमें आप नेक्स्ट जनरेशन में ECZ 421 HG डैश 11B कंप्रेशर लगा सकते हैं और KCE 419 HAG कंप्रेशर लगा सकते हैं। इसमें दो केसेस होते हैं दोस्तों और 70 से 120 लीटर तक के वीजी कूलर में ये आराम से इंस्टॉल हो सकते हैं। जो कंडेंसर साइज है दोस्तों वो इंच में है, लेंथ गुना हाइट। इसमें हम 10x9x2 रोज की हम पाइप का कंडेंसर लगाएंगे और जो पाइप का साइज होगा इसमें वो 3/8 का होगा और ट्यूब 6 से 11 FPI पर लगेगी। कंडेंसर फैन मोटर दोस्तों इसमें 1/83 HP गुना 1350 RPM की लगाएंगे हम। कंडेंसर फैन होगा 8 इंची डाया का। एपरेटर साइज दोस्तों इसमें इंच में है, लेंथ गुना हाइट। इसमें हम 11x10 लेंथ और हाइट का कंडेंसर लगाएंगे और 2 रोज में वो पाइपें होंगी सभी और हमारी जो पाइपों का डिफरेंस होगा वो 6-11 FPI का होगा। जो आप कैपिलरी ट्यूब इसमें लगाएंगे वो होगी 0.044x10 ft, एक कैपिलरी हम इसमें लगाएंगे। दोस्तों ये तो डाटा था इन कंप्रेशरों का। अब हम चलते हैं चार केस वाले वीजी कूलर में हम कौन से कंप्रेशर लगा सकते हैं और 220 से लेकर 260 लीटर तक वाले वीजी कूलर में हम ये कंप्रेशर लगा सकते हैं जो ऊपर लिखे हुए हैं, आप ध्यान से देखिए। ECZ 426 HG डैश 11M, ये नेक्स्ट जनरेशन R134 का ही कंप्रेशर है। और नीचे दो कंप्रेशर दिए हुए दोस्तों, KCE 425 HAG और KCN 413 CAG। ये हम चार खाने वाले वीजी कूलर में कंप्रेशर लगा सकते हैं। इनके अंदर जो कंडेंसर का साइज होगा वो 11x10x2 रोज का होगा और जो कंडेंसर फैन मोटर हम इसमें लगाएंगे वो 1/50 HP गुना 1350 RPM के हम इसमें लगाएंगे। कंडेंसर फैन का डाया 9 इंची का होगा और जो एपरेटर साइज होगा दोस्तों वो होगा 12x11x2 रोज और इसमें हम 3/8 साइज की पाइप का चयन किएंगे, बोर की पाइप का चयन करेंगे। और जो कैपिलरी ट्यूब आप इसमें लगा सकते हैं वो आप 0.044x10 ft गुना 1 कैपिलरी, यानी कि आप वही सेम कैपिलरी इसमें लगेगी, वही साइज इसमें कैपिलरी का लगेगा। और आप इसमें डिक्सल कंट्रोलर लगा सकते हैं दोस्तों जिसका मॉडल नंबर है XR02CX, ये आप इसमें लगा सकते हैं इसके तापमान को कंट्रोल करने के लिए। तो दोस्तों आज मैंने आपको वीजी कूलर के बारे में इन पाँच कंप्रेशरों के बारे में बताया। आप ये 70 से 120 लीटर वाले वीजी कूलर और 220 से 260 लीटर वाले वीजी कूलर में लगा सकते हैं, या आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि दो केस वाले और चार केस वाले वीजी कूलर में हम इन कंप्रेशरों का चयन बिल्कुल आराम से कर सकते हैं। आशा करता हूं दोस्तों डाटा आपको अच्छा लगा हो, लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और मैं आपको फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी उपलब्ध मिलूंगा और कोई भी आपका क्वेश्चन होगा कोशिश करूँगा कि मैं आपको उसका उत्तर जल्दी से जल्दी दे सकूँ। धन्यवाद दोस्तों।